दरबार की जय। हेलो एवरीवन, आज अष्टमी की रात और हम लोग सब कोई जा रहे हैं कहीं पर। आगे आगे चलते जाएंगे तो आप लोगों को पता चलते जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जमुई का आपको एक झलक में दिखा देती हूँ। पच मंदिर का, ये है पच मंदिर का मंदिर जहाँ की दुर्गा जी बैठती हैं। और यहाँ पर आज बहुत सारा भीड़ है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि अष्टमी है, तो बहुत कोई यहाँ पर गोदी भरते हैं। तो चलते हैं स्टेशन। ये हम लोग पहुँच गए मल्लेपुर स्टेशन और यहाँ पर ट्रेन में बैठ गई थी। रात में याद आया कि वीडियो में ले लेती हूँ। The next day, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये सुबह का 4 बज रहा है और ये कौन आया है स्टेशन में। ये हम लोग पहुँच गए हैं रांची स्टेशन। यहाँ पर मिल गई हैं हमें बुआ जी, उनके बेटे और उनके पोता। ये एक सरप्राइज़ था सबके लिए क्योंकि बुआ जी आज तक कभी भी रांची आई ही नहीं थी और उनका बहुत मन था रांची आने का। तो इस बार हमने सोचा कि चलो बुआ जी को आज इस बार रांची घुमाया जाए। तो इस बार हमने प्लान बनाया कि चलो सब कोई को, कंचन लोग को भी लेके, सब कोई को लेके हम लोग चलते हैं रांची। और इस बार का दुर्गा पूजा जो है वो हम लोग दीदी के साथ में मनाएंगे। बहुत खुश थे बुआ जी क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम था और इतना खुशी लग रहा था ना इनको देख के कि सोचिए इतना साल हो गया इनको, आज तक ये रांची नहीं आई थी। तो चलिए आगे हम लोग क्या क्या करते हैं आप लोग को दिखाते हैं क्योंकि ये 4 बजे उनका रांची स्टेशन में लास्ट स्टॉपेज था और हम लोग को जाना है हटिया। तो यहाँ पर हमने अपना ट्रेन में उनको ले लिया और हम लोग चलेंगे। अब दीदी क्या रिएक्शन देखते हैं, चलिए। आरती हुआ, आरती करा के बाद दूसरे के साथ हम अच्छा भी तैयार कर रहे हैं। कितना साल बाद हुआ आई है, कितना इंतजार था। साल का पहला बार आई है, बोलिए ना। फर्स्ट एकदम मंटू के अति है आशीर्वाद। बोलोगे तो मिलेगा ना। बोलो मामू दीजिए। बोल दो अच्छा से, बोलो कैसे, बोलो जोर से, बोलो जोर से। बोल मेरा ब्रेव बॉय है ना, गुड बॉय है ना, दिल से बोलो दीजिए मामू। चाहिए ना बाबू को, चाहिए ना, चाहिए ना। अच्छा मारे तो आ रहा है, दिल से बोलो दीजिए मेरा। लेने का देखा चला तो ना उसका जुट मिनट रुला रहा है। ठिन ठिन नहीं करो, पहले बोलो दीजिए। थैंक यू, थैंक यू बोलो एटलीस्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सुबह सुबह अच्छे में स्वस्थ होंगे। तो ये आपको कुछ नया नया दिख रहा होगा। तो हम लोग आए हुए हैं रांची, जैसा कि आपने थोड़ा देर पहले देखा होगा कि हम लोग ट्रेन पे थे। तो आ गए हैं रांची और बुआ जी भी हमारे साथ आई है, जो कि बहुत ही सोने पे सुगंध हो गया और सारा श्रेय जाता है इनको क्योंकि इन्होंने ये प्लान बनाया था। तो सब कोई हम लोग जुटे हैं। अभी ये नवमी का पूजा और कन्या लोग आ गई है, अभी जा रहे हैं हम हवन करने के लिए। तो चलिए जल्दी से हवन करने चलते हैं। जानने तो तब नारे रख रहा। पकड़ो सबको, पकड़ो। कहाँ गई? पकड़ो। बोलो दुर्गा माता की जय, शेरा वाली मैया की जय, बोल साचे दरबार की जय। सर्पयामी मारयामी मारयामी ब्रह्मा शिवरी ओम जय।
रुको रुको वही रुको बाबू भैया रुको रुको और पूरी खाएगा सबको मिला चॉकलेट पैसा मेहंदी फल सबको मिल गया एक बार जोर से बोल साचे दरबार की जय ले लो ले लो बाबू ले लो रुक जा दरबार की जय जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय तो यहाँ घर का पूजा तो हो गया था तो अभी हम लोग आए हैं मंदिर यहाँ बगल में बहुत ही सुंदर मंदिर है दुर्गा माँ का और सारे भगवान जी का मंदिर है तो यहाँ पर आए हम लोग यहाँ पर पूजा की है मैं सारे भगवान जी का मंदिर था यहाँ पर बुआ जी देख के बहुत खुश हो गई बहुत ही अच्छा उनको लगा और सच में इतना शांति मिल रहा था ना मंदिर में बहुत अच्छा लगता है खूब सुंदर यहाँ पर बना हुआ है दरवाज़ा पे भी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काली माँ का मूर्ति बना हुआ था तो यहाँ से हम लोग गए अपना पंडाल में जो कि यहाँ कॉलोनी का पंडाल है देखिए
दे दो आप तमाम भक्तजनों से अनुरोध है कि आप अपने घर के नन्हे मुन्ने कन्याओं को हमारे पूजा परिसर में ले आएंगे। अभी से कुछ ही क्षणों के मंदिर से आने के बाद हम लोग यहाँ सबको बैठ के अपना पेट पूजा करते हैं। और ये छोटा सा क्लिपिंग मैं दिखाना चाह रही हूँ, मेरा मायके का है जो कि एक सम्मिलित पूजा होता है। वहाँ पर सारा जितना भी हम लोग का लेडीज है सबको बैठ के एक साथ हवन करते हैं। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लगता है। मैंने सोचा कि ये भी आप लोग को शेयर करना बनता है, इसीलिए मैं इसी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये क्लिपिंग था तो मैं मिस नहीं करना चाह रही थी। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।